गुड मॉर्निंग। आज हमारी ट्रिप जर्नी का नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं रत्नागिरी से स्ट्रेट टूवर्ड्स मालवन। और टोटल डिस्टेंस कुछ 166 किलोमीटर्स का है। अगर आप कोस्टल रूट लेते हैं तो करीब करीब 5 से 6 घंटे का आपको समय लगेगा इसको पूरा करने के लिए। फिलहाल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद वी हैव स्टेड टू वन ऑफ अ प्लेस विच इज़ रजिस्टर्ड विद MDDC। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, स्टे का ऑप्शन है और बहुत ही अमेजिंग सा कोंकण स्टाइल का बाहर बैठने का था, तो हमने सोचा यहाँ ब्रेक लेते हैं एंड थोड़ा सा कुछ खाते हैं, देन विल कंटिन्यू द जर्नी। गाड़ी पार्क्ड है, ऑलमोस्ट 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। कंपैरेटिवली अगर मैं इंदौर से हूँ और मैं बात करूँ तो गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन इट इज़ वेरी मैनेजेबल इन कंपैरेटिव टू मध्य प्रदेश। तो ये एक अच्छी चीज़ रही कि इवन इन ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, आज होली का दिन है और हम ट्रैवल कर रहे हैं और कंफर्टेबल है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनके पास क्या ऑप्शन है। ओके, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मालवन तारकली बीच। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही गोल्डन सैंड वाला बीच है ये। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र टूरिज्म के तारकली बीच का रिजॉर्ट है और इसकी बुकिंग अगर आप कराना चाहें तो आपको महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिलेगी। प्राइजेज और डिटेल्स वहीं पे रहती हैं। मेरे को पर्सनली इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत अच्छी लगी, एग्जैक्टली बीच के सामने। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर स्कूबा, स्नॉकरिंग, वाटर स्पोर्ट्स जैसी कई सारी चीज़ें और कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स बने हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं। मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ। ठीक इस प्रॉपर्टी के पीछे पब्लिक पार्किंग है जहाँ पर आप आराम से अपनी कार पार्क कर आ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग और काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन के साथ ये बीच है। तो मैं आपको एक व्यू देता हूँ यहाँ का और फिर हम यहाँ से चलते हैं होटल, क्योंकि हमारे होटल के सामने भी अपना प्राइवेट बीच है। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ की फर्दर डिटेल्स देता हूँ। ओके, सो वी हैव रीच आर प्रॉपर्टी राइट हेयर एट तारकली, और तारकली से थोड़ा आगे देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड भोगवे बीच। और ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड लोकेशन पर होटल है, बट द गुड पार्ट ऑफ दिस होटल दैट इट इज़ राइट एग्जैक्टली ऑन द बीच आर प्रॉपर्टी। और इस एरिया की अगर मैं बात करूँ सो दिस इज़ गिविंग अ प्रॉपर सिस्टमेटिक बीच वाइब। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कार हमारी वहाँ पार्क है और बीच इज़ एग्जैक्टली हेयर, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। तो चलिए मैं आपको पहले रूम टूर देता हूँ और फिर आपको इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स और साथ ही में बाहर का एक व्यू बताता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड अ क्यूट प्रॉपर्टी। पास में यहाँ पर एक होटल और है, उसकी मैं आपको ऊपर से फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ। तो ये जो अभी मैंने आपको होटल का रूम टूर दिया ये राइट एग्जैक्टली ऑन द बीच है। इस होटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 रूम्स की छोटी सी प्रॉपर्टी है। सारे इन्होंने कॉटेजेस बना के रखे हैं, डबल स्टोरेड है और वन साइड हैव 8 सेट ऑफ रूम्स। और अगर मैं बीच की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन बीच है, लेस पॉपुलेटेड और ये इनका प्राइवेट एक्सेस बीच है, तो यहाँ पर आपको कोई अननेसेसरी का क्राउड नहीं मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द प्राइज ऑफ दिस होटल, ये 4500 रुपीज़ पर डे पर रूम है ये।
टैक्सेस एंड जीएसटीज एंड ब्रेकफास्ट इज सेपरेट फ्रॉम दिस, बट अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं एक आइसोलेटेड बीच लोकेशन जहाँ पर आपका अपना प्राइवेट एक्सेस टू बीच हो, प्राइवेट पार्किंग हो, एक बहुत ही अच्छा लग्जूरियस सा रूम हो, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी यू शुड बुक. द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज ओशन डिलाइट एट भोगवे बीच. इसकी डिटेल्स मैं नीचे लिंक में ड्रॉप कर दूंगा, और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो सो आप मुझे नीचे डीएम कर सकते हैं. तो क्विकली हम चलते हैं, सनसेट होने वाला है, हालांकि इट्स ऑल ओनली 4, सनसेट इज अप्रॉक्सिमेटली 6, सो लेट्स गो डाउन, लेट्स ईट समथिंग एंड देन वी विल एंजॉय दी ओशन. और जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं वहां से आपको इस प्रॉपर्टी का एक व्यू देता हूँ. सनसेट एंजॉय करना था और साथ में बीच को एंजॉय करना था, तो आई डिसाइडेड कि फोन रूम में रख के जाया जाए. डिनर हो चुका है, बैक एट द रूम. सुबह 7 बजे उठना है क्योंकि हमें आसपास के कुछ आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए बोट पिक करने वाली है. सो फिलहाल आज के वीडियो को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल सुबह मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारी ट्रिप का अनदर डे, अनदर शुरुआत. फिलहाल हम लोग हमारे होटल से बाहर बीच पर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मालवन तारकली के आसपास के कुछ आइलैंड्स को बोट पर एक्सप्लोर करने के लिए. सो यहाँ पर करने को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में सबसे पहली एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग. सो तारकली बीच इज़ फेमस फॉर स्कूबा. स्कूबा डाइविंग करने के लिए गवर्नमेंट ने यूनियन बना के रखी है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, जिसके अंदर स्कूबा की ड्रेस और गोप्रो से शूट और साथ ही में आना जाना और ट्रेनिंग इंक्लूड है, विच इज़ कंपेरेटिवली वेरी गुड एंड कॉम्पिटिटिव कंपेयर करें अगर हम किसी और कमर्शियल जगह से. तो सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ के ऊपर कई सारे वाटर स्पोर्ट्स है, बनाना राइड, जेट्स की जैसे, पैरासेलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज़ पर पर्सन टू 1200 रुपीज़ पर पर्सन. इसके बाद जो एक और चीज़ आ जाती है वो आ जाती है बोट राइड. बोट राइड में यहाँ पर आसपास कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और डॉल्फिन का वॉच पॉइंट है, जिसके लिए आप डिपेंड करता है किस लोकेशन पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से आपको कितना पे करना है. सो इफ़ फॉर एग्जांपल अगर आप तारकली में स्टे करते हैं सो वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ लगेंगे 5 से 6 पॉइंट्स को कवर करने के लिए. हम भोगवे बीच में रुके हैं तो यहाँ से हमको अप्रॉक्सीमेटली 500 ज़्यादा लगा, क्योंकि तारकली ठीक इसकी अपोजिट तरफ है तो बोट को यहाँ तक आना पड़ता है. मेरे पीछे इस वक्त कैमरे में जस्टिफाई नहीं होगा, बट वहाँ के ऊपर एक आइलैंड है जहाँ पर लाइट हाउस है, वो इस एरिया का सबसे फार अवे आइलैंड है जहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है, 40 मिनट्स वन साइड. सो इस जगह तक के लिए यूजुअली बोट वाले जो हैं वो 5000 पर बोट चार्ज करते हैं. बोट में आप अप्रॉक्सीमेटली 10 पीपल कैन एकोमोडेट वेरी ईजिली. सो बोट हमारी आ चुकी है बिल्कुल हमारे होटल के सामने, प्राइवेटली मैंने बुक करी है, सो प्राइवेट पिकअप एंड ड्रॉप के साथ. सो बोट पे बैठते हैं और मैं आपको अब आगे इन पर्टिकुलर आइलैंड्स का टूर देता हूँ. जैसे ही आप भोगवे बीच से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट स्पॉट हैं जिनको आप देख सकते हैं. इस माउंटेन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये निफ्ती फोर्ट है. ये 16 सेंचुरी में बनाया हुआ एक फोर्ट है जो पूरी तरीके से टूट चुका है. कई सालों पहले एक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से ये फोर्ट अबेंडेंड है. अब यहाँ पर उसके कुछ रिमेन्स हैं. इसी के पास थोड़े ही आगे निफ्ती बीच है जहाँ पर आपको गोल्डन रॉक देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एक ब्राउन स्टोन का फॉर्मेशन आइलैंड है जो कि मिड ऑफ द सी है. आसपास के सभी रॉक्स और माउंटेन का जो स्टोन है दैट इज़ इन ब्लैक कलर, और ये ब्राउन स्टोन होने के कारण रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण इसको गोल्डन रॉक भी बोला जाता है. इसी गोल्डन रॉक पे आप ये जो देख रहे हैं ये ऑयस्टर्स हैं जो कि यहाँ पे नेचुरली कॉलोनाइज करते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है. सो अब हम जो आ गए हैं ये करली रिवर है, और ये मेरे सामने आप जो आइलैंड देख रहे हैं दिस इज़ देवबाग. इसके बैक साइड में समंदर है और ये रिवर और वहाँ से समंदर मिलते हैं, तो देर इज़ अ संगम पॉइंट. अभी हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड सोनामी आइलैंड जो कि वो सामने की तरफ है. ये आइलैंड 2004 की सुनामी के बाद उभर कर निकला,
और तब से दिस इज वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस। तो अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज के ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या एक्टिविटीज और किन प्राइस पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जैसे कि जेट्स की सामने हो रही है। अभी हम लोगों ने हमारी कायाकिंग और वाटर स्पोर्ट साथ ही में आइलैंड टूर कंप्लीट करा है और अब हम आ चुके हैं भोगवे बीच के कॉर्नर पॉइंट पर, जहाँ से मेरा होटल अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर है। फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, जिसके थ्रू हमने बुकिंग करी थी वो हमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा है, तो उसने कहा बाहर तक वॉक करके आ जाओ, मैं आपको यहाँ से पिकअप देता हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा था। कंपैरेटिवली अगर आप किसी और लोकेशन से देखें तो ये थोड़ा चीप है, जैसे यहाँ पर 400 रुपीज़ में कायाकिंग मिल गई आपको करने को, जिसमें आप हाफ एन आवर की कायाकिंग कर सकते हैं पीछे रिवर साइड में। दूसरी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ फॉर पैरासेलिंग फॉर 10 मिनट्स एंड इट गोज़ अप टू 1200 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन जेट स्की एंड अदर एक्टिविटीज़। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो अभी तो चलते रूम पे चेकआउट करेंगे और फिर हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स गोवा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वॉक अराउंड करा जाए कोंकण के इस पुराने से विलेज में। काफ़ी सारे पुराने घर हैं, बंद हैं रास्ते और आप देख सकते हैं नीचे, खूबसूरत तो है ये पूरा एरिया। अगर आप यहाँ ट्रैवल करते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी डिफरेंट लेड बैक लाइफ, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद आवर स्टे हियर एट मालवन। वी वर स्टेइंग एट भोगवे बीच, होटल नेम वॉज ओशन डिलाइट। बहुत ही अमेजिंग स्टे रहा हमारा, बहुत खूबसूरत बीच फेसिंग रूम और बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक कोंकणी फूड और स्कूबा डाइविंग भी कर ली है फैमिली मेम्बर्स ने। अब हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, बस व्हीकल निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज रहे हैं, क्लोज टू 2, मोर देन 2 रादर। और यहाँ से जो गोवा का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स है, स्पेसिफिकली टू मोपा एयरपोर्ट, और हमें पहुँचना है कैंडोलिम एरिया, तो आई थिंक वहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगना है। तो आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं और मैं आपको यहाँ से रूट बताता हूँ और हम चलते हैं टूवर्ड्स गोवा। फिलहाल हम लोग हैं वेंगूर करके एक टाउन में, जो कि कोंकण कोस्टल रूट पे गोवा से सिर्फ 30 किलोमीटर्स पहले। मेरे पीछे आप जो ये ओल्ड हाउस कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये डच टाइम की बिल्डिंग है और फिलहाल यहाँ के ऊपर एक काजू की प्रोसेसिंग यूनिट बनी हुई है और बाहर यहाँ पर एक काउंटर सेलिंग तैयार करी गई है। इस स्टोर का नाम है नर्मदा कैशूज के नाम से इनकी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये बिल्डिंग को देख के तो करीब करीब लगता है कि मोर देन 100 ईयर ओल्ड है। पीछे की तरफ इनकी प्रोसेसिंग यूनिट है, तो पहले हम आपको प्रोसेसिंग यूनिट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैशू की रिटेल प्राइसेस क्या हैं। और इस पर्टिकुलर लोकेशन में जब आप आते हैं तो नारियल, आम और काजू, ये यहाँ का बहुत मेजर प्रोडक्शन है। स्पेसिफिकली इस लोकेशन में काजू बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं आपको सबसे पहले इस फैक्ट्री का थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ। जो आप अभी देख रहे हैं फिलहाल यहाँ के ऊपर सारे काजू जो हैं वो बोरी में रखे हुए हैं और ये उसको मैन्युअली वहाँ से निकाल कर और उस छिलकों में से अलग कर रहे हैं। और ये बर्न क्यों होते हैं ये प्रोसेस में पूछता हूँ। इस तरीके से रॉ फॉर्म में आते हैं और फिर उनको इन फर्नेस में डाला जाता है, नीचे से हीट करने के बाद 12 मिनट तक उनको पूरी तरीके से बर्न हुआ देते हैं और फाइनली बर्न होने के बाद आप जो देख रहे हैं ये इस तरीके से होकर आते हैं। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस होती है बर्न होने के बाद। करने के बाद इनको इस तरीके से मैन्युअली फोल्ड कर अलग करा जाता है और इसके बाद ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये सब काम मैन्युअली होता है।
प्रोसेस होने के बाद काजू जो है वो सॉर्ट करा जाता है। सॉर्टिंग के लिए वो मेरे को, आप देख सकते हैं जाली के उस तरफ, सो बेसिकली ये लॉक करा हुआ है क्योंकि वहाँ पर कैशू की मल्टीपल वेराइटी है और वहाँ के ऊपर जो कैशू फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज़ लिटिल कॉस्टली, तो वहाँ वो सॉर्टिंग कर रहे हैं मैनुअली। सॉर्टिंग करते हैं क्वालिटी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, और फाइनली फिर यहाँ पर आने के बाद उसको मैनुअली पैकेज करा जाता है। पैकेजिंग के लिए इन्होंने अलग अलग साइजेस रखे हुए हैं, अलग अलग क्वालिटी और किस नेम से जाती है। सो कैशू को प्रोसेस करने की जो तरीका है वो आज भी यहाँ काफ़ी कुछ मैनुअल है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आप लोग यहाँ पर एक मॉडर्नाइज मशीनरी को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बताया कि आज भी अगर कैशू को प्रोसेस करके छिलके से निकालना हो तो वो सबसे इफ़ेक्टिव मैनुअल तरीके से ही होता है। अब मैंने आज तक इससे पहले काजू की कोई प्रोसेस फैक्ट्री नहीं देखी, तो आई एम नॉट सो श्योर कि क्या मैकेनिकली या फिर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेस होती होगी। आई बिलीव 100% होती होगी, लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस से ये उसको निकालते हैं और पैकेज करते हैं। अब हम चलते हैं रिटेल काउंटर की तरफ। ये क्या क्वालिटी है? ये स्प्लिट बोलते हैं उसको, स्प्लिट। ये हमारे चित्रे कंपनी को जाता है ये स्प्लिट वाला, वो चूड़ा रहता है ना चित्रे का, उसमें आता है। लक्ष्मी नारायण चूड़ा में भी वही आता है, ये जाता है पुणे वाला। हाँ पुणे वाला, ये सब लेके जाते हैं। और काजू कतली के लिए ये जाता है, चूर के बारीक हो जाता है। ये क्या प्राइस जाता है? 600 रुपये किलो। इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं और हमारा जो कोंकण कोस्टल ट्रिप का पूरा सफ़र था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, बिकॉज़ यहाँ के बाद हम गोवा जाएंगे और गोवा के कई सारे वीडियो व्लॉग्स मल्टीपल यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर्स ने बनाए हैं। आई एम सो श्योर कि गोवा की डिटेल सबको पता ही है। वाइल गोइंग बैक हम लोग रुकने वाले हैं पुणे के पास जयजूरी करके जगह पर, जो कि एक बहुत ही फेमस टेंपल है, जिसका एक छोटा सा 4 से 5 मिनट का डिटेल वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, और आई होप आप लोगों ने इस महाराष्ट्र कोंकण कोस्टल ट्रिप की डिटेल्स को इंजॉय करा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।